जब हम इस ट्रैक पे केदारनाथ के लिए चलते हैं। मासी गांव आने के लिए यही रास्ता सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक कैंप रहने के लिए लगाया गया है। हर बार मेरा पिकअप इसी चढ़ाई पे टूट जाता है। कोई खतरा नहीं है, कहीं भूस्खलन नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। अगर जो खूबसूरत चीज है वो इस ट्रैक पे आपको ये मिलने वाली है। काफी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। थोड़ा शॉर्टकट मार लेते हैं। जो भेड़ बकरियां हैं वो भी आजकल यहीं आ रखी हैं। चौमासी से सुबह 7 बजे हमने यह जर्नी शुरू करी थी। ये वाला रास्ता तो पूरी तरह से बंद हो गया है, देख सकते हैं। ओरिजिनल जो बजरी है ये है अभी भी स्थिति। दोस्तों, क्या आप भी आना चाहते हैं श्री केदारनाथ धाम एक नए रास्ते से, चौमासी गाँव के रास्ते से? अगर आप भी केदारनाथ आना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में आज मैं पूरे अच्छी तरह से बताऊंगा कि चौमासी गांव की लोकेशन कहाँ है, चौमासी गांव कैसे आया जाता है, और यहां से केदारनाथ धाम की दूरी कितनी है, रामबाड़ा की कितनी दूरी है, किन किन तैयारियों के साथ आपको यहां के ट्रैक के लिए आना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राय सिंह तिंदोरी। साथियों, एक बार फिर से मैं आपको श्री केदारनाथ धाम लिए चल रहा हूं। अंतिम गांव चौमासी से रेगाधार होते हुए रामबाड़ा तक का पूरा रास्ता एक्सप्लोर किया जाएगा, और इसमें आपको बारीकी से बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं जब हम इस ट्रैक पे केदारनाथ के लिए चलते हैं। इस वीडियो को शुरू में ही लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सफर को शुरू करते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और यह सफर हमारा चौमासी गांव से शुरू हो गया है। और शाम तक कितने बजे तक हम रामबाड़ा पहुंच सकते हैं इस रास्ते से, किस हिसाब से आपको अपनी यात्रा के शेड्यूल को यहां से केदारनाथ के लिए बनाना है, यह सब कुछ आज बारीकी से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है खूबसूरत सी कालीमठ वैली। ये ठीक सामने पे आप देख रहे हैं, ये ऊखीमठ है, और ऊखीमठ के सामने पे ये मस्ता है, और ये कालीमठ कबीलठा ब्यूंकी स्यासुगढ़ जाल, और फिर पहुंच जाते हैं चौमासी। चौमासी गांव आने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार ऋषिकेश से गुप्तकाशी के लिए बस के जरिए आना होगा। गाड़ियों के जरिए गुप्तकाशी पहुंचा जाता है। गुप्तकाशी से चौमासी गांव के लिए 6 टैक्सियां लगी होती हैं। कालीमठ घाटी की सारी 6 टैक्सियां गुप्तकाशी से अवेलेबल हो जाती हैं और अंतिम गांव चौमासी तक पहुंचती हैं। 6 टैक्सियों का जो अंतिम स्टेशन है वो चौमासी गांव है। चौमासी गांव की दूरी गुप्तकाशी से मात्र 22 और 23 किलोमीटर की है, और चौमासी गांव तक ही गाड़ी आती है। और इसके बाद यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे ट्रैक श्री केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं, जैसे बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले भी आपको एक्सप्लोर किया है और आगे भी आपको बार बार एक्सप्लोर करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, चौमासी गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए हैं, और यहां का नाम खुड़मा खर्क है। आपको हर वीडियो में मैं एक्सप्लोर करते रहता हूं। चौमासी गांव से खुड़मा खर्क लगभग सीधा रास्ता है, और खुड़मा खर्क के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो आज के इस सफर में मेरे साथ मेरे अंकल जी हैं, श्री कलम सिंह तिंदोरी जी, और चाचा जी इसी हमारे ही गांव चौमासी से बिलोंग करते हैं, मगर इस रास्ते से बहुत टाइम के बाद केदारनाथ जा रहे हैं। और चाचा जी की बहुत इच्छा थी कि इस बार केदारनाथ इसी वाले ट्रैक से जाना है, क्योंकि आगामी भविष्य में यही रास्ता सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है केदारनाथ यात्रा के लिए। तो चलिए दोस्तों, चौमासी गाँव से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर हम आ गए हैं, और यहाँ का नाम पयालू है। पयालू में हमारे मरुड़े छानियाँ 5-7 हैं, और इमरजेंसी जैसे हालातों में यहाँ पे सब कुछ आपको रहने खाने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। और ये छानियाँ लगभग अक्टूबर लास्ट तक रहती हैं, और जैसे ही सर्दियाँ होती हैं वैसे ही यहाँ से नीचे लोग चले जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं देवपाड़ का देवली में, और देवली खर्क पहुंचते पहुंचते आसपास में फॉग छाना शुरू हो गया है, वरना यहाँ की जो खूबसूरती है वो तो एकदम लाजवाब दिखती है। देवबाटिका यानी देवली खर्क में यहाँ पे प्रशासन की तरफ से और जो गांव वालों ने यहाँ पे एक टेंट लगाया हुआ है, जो भी लोग यहाँ से आते हैं इमरजेंसी में तो उनके लिए यहाँ पे कैंप रहने के लिए लगाया गया है।
चलिए दोस्तों, देवली वाटिका में हम लोगों ने नाश्ता पानी किया है। यहाँ पे जब आते हैं तो थकान काफी हो जाती है। यहाँ पे नाश्ता पानी जो घर से साथ में लाया जाता है उसको करने के बाद अभी बहुत सारे साथी फिर से मिल गए हैं। लोग सब केदारनाथ और खांबुग्याल जा रहे हैं, तो अब हमारे यहाँ से आगे की जर्नी शुरू होती है। तो दोस्तों, चलते चलते रास्ते में आपको प्रकृति की इन खूबसूरत सी संपदाओं से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देते हैं, जो यह पेड़ दिखाई दे रहा है यह है बुरांस की एक वैरायटी जो कि हाइट वाले इलाकों में होती है। इसको सेमरू कहते हैं और इसका फूल भी बुरांस से थोड़ा डिफरेंट होता है और वह फूल थोड़ा वाइट वाइट सा होता है और इसका तना भी आप देख सकते हैं एकदम अलग टाइप का। बुरांस के तने से थोड़ा डिफरेंट इसका तना होता है और पत्तियां भी इसकी बुरांस से थोड़ा डिफरेंट होती हैं। और ये है थुनेर का पेड़। और जो यह पेड़ है थुनेर का, इसकी जो लकड़ियां हैं इनका उपयोग पूजा हवन वगैरह करने के लिए काम में लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये ये दिखाई दे रहा है, तो देखिए दोस्तों जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लंबा लंबा सा, इसको हमारे यहाँ पे थामा कहते हैं। यह बांस की एक वैरायटी है, बांस की जो जंगली वैरायटी है उसको कहते हैं। और यह भी दो टाइप की होती है, एक पतली वाली होती है जो घरों में सोल्टी और कंडी बनाने के काम आती है, और यह दूसरी वाली है, यह इसको थामा कहते हैं। तो दोस्तों, इसी बैम्बो से हम लोग घर में झाड़ू बनाते हैं। ओहो, तो देखिए दोस्तों, अभी धीरे धीरे कछुआ गति में मैं अभी चढ़ रहा हूँ लाखा वाली चढ़ाई। और ये लाखा वाली जो चढ़ाई है यह मेरे लिए बहुत टफ हो जाती है। हर बार मेरा पिकअप इसी चढ़ाई पे टूट जाता है। हालांकि इससे आगे फिर खूबसूरत सी वादियाँ हैं और वहाँ पे फिर से पिकअप बन जाता है, मगर जो ये चढ़ाई है ना लाखा मंडल वाली, इस पर हर बार मैं थक जाता हूँ। ये लाखा वाली जो चढ़ाई है यह 200 से लगभग 250 मीटर की है, मगर काफ़ी टफ चढ़ाई है। हालांकि जब नया रास्ता बनेगा तो तब यह चढ़ाई काफ़ी इजी हो जाएगी, मगर अभी वर्तमान में मुझे यह बार बार थकाती है। तो चलिए दोस्तों, होते करते मैंने भी लाखा मंडल वाली चढ़ाई टप दी है और अभी यहाँ पे चाचा जी के पास कुछ एनर्जी के लिए ग्लूकोज वगैरह था। अभी ग्लूकोज खाने के बाद थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। हमने यह चौमासी गांव से लाखा वाली चढ़ाई लगभग 3 घंटे में टप दी है। मैं तो प्रत्येक साल आता हूँ, पिछले साल 2-3 बार मरनी बुग्याल गया। अच्छा। और इधर से भी आता जाता रहता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है यहाँ आने जाने में, भीड़ भाड़ नहीं है, अपने स्वतंत्र, अपने किसी का धक्का मुक्की नहीं, अपने धीरे धीरे चलते रहो अपने फ्रेश माइंड फ्रेश मूड से। हाँ। और ठंडी हवा है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। अपना थोड़ा नाश्ता रख लो रास्ते के लिए, बस 2-3 घंटे 4-6 घंटे में जो है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, आने वाले टाइम में अगर यह रास्ता बन जाएगा केदारनाथ के लिए ट्रैक रास्ता, तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। ना ना, ये तो बनेगा, ये पक्का बनेगा, इसमें कोई शक नहीं, ये तो बनेगा, सुरक्षित रास्ता है। यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, कहीं भूस्खलन नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। जैसे अंकल जी ने बताया कि ये रास्ता बनना ही बनना है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट को इस पे फोकस सब करना ही पड़ेगा। यह रास्ता काफ़ी सुरक्षित रास्ता है, अगर यह बन जाता है तो यह काफ़ी इजी भी बन जाएगा और काफ़ी बेहतर भी है। यहाँ की जो प्रकृति है उससे भी रूबरू होने को सभी लोगों को मौका मिलेगा यहाँ की प्रकृति को समझने के लिए, और जो यात्रा होगी वो काफ़ी सुखद होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे अब आगे के खूबसूरत से नज़ारों में लिए चलते हैं आपको। तो लाखा मंडल के बाद दोस्तों पहुंच गए हैं हम लोग छिपी खर्क पे, और छिपी खर्क से खूबसूरत खाम वैली के शानदार से व्यू देखने को मिलते हैं। आज तो फॉग भी नहीं है, आज तो इधर की जो वादियां हैं ये एकदम शानदार और दिल को छूने वाली हो रखी हैं। अगर आप लोग ट्रैक के हिसाब से आते हैं और 2-3 दिन का अगर आप टूर बनाते हैं इस रास्ते से जाने के लिए, तो आपके लिए पहला दिन का परफेक्ट स्टे छिपी के खर्क में होने वाला है। तो घर की ककड़ी खा रहे हैं, देखिए हमारे पहाड़ी जो ककड़ी होती है, और हमारे अंकल जी भी ककड़ी का एंजॉय ले रहे हैं आराम से। और यहाँ पे जो ये पानी है ना, ये 12 महीने चलता रहता है यहाँ पे,
और इतना ही होता है, ये न कभी बढ़ता है न कभी घटता है, 12 महीने इतना ही पानी रहता है यहाँ पे। चलिए अभी मैं भी कुछ खा पी लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो चलिए दोस्तों, होते करते अभी लुणा के खर्क में पहुंच गया हूँ, और लुणा के खर्क के आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी हैं रास्ते के आसपास, और ख़ास करके यहाँ पे ये लंबी लंबी सी झाड़ियाँ पॉलीगोनियम की हैं, और यह पॉलीगोनियम किसी काम में नहीं आता है, नहीं यह खूबसूरत होता है, नहीं यह किसी घास वगैरह के काम में आता है, मगर जो खूबसूरत चीज़ है वो इस ट्रैक पर आपको ये मिलने वाली है। ये देख सकते हैं आप, ये है छुई मुई, इनको ऐसे छूते ही ये फट जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यह जो मसे होते हैं हाथों पे और पाँव पे, कहीं पे भी मसे हो होते हैं, तो उसकी यह सबसे परफेक्ट दवाई मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये पेड़ पे ये फल दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम रंगेला कहते हैं, और यह काफ़ी पौष्टिक तत्वों से भरा होता है, काफ़ी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। यह जब भी ऐसे जंगलों में होते हैं पानी की कमी को दूर कर लेता है, इसको खाने के बाद पानी और भूख गायब हो जाती है, और ख़ास करके इसको लगभग हर दिन अगर 10-10 फल खाने से आपकी आँखों की जो रोशनी है उसमें भी काफ़ी फायदा मिलता है। जो यह रंगेले के फल हैं यह इस पूरी खाम वैली में बहुत अधिक मात्रा में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम खेडोरा में पहुंच गए हैं, और अभी हम खेडोरा में पूरे लंबे रास्ते से नहीं जाएंगे, आज मैं आपको शॉर्ट रास्ते से ही ले चलूंगा, और यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मार लेते हैं। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शॉर्टकट के रास्ते से, अब यहीं से हम लोग मैं रास्ते से रेगाधार पहुंचेंगे। यहीं नीचे पास से हाथनी कॉल होते हुए एक रास्ता भैरव मंदिर केदारनाथ पहुंच जाता है, और दूसरा रास्ता यहीं वहीं से बलदत्या नामक जगह से मां मनणी के लिए जाता है। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में मैं आपको मां मनणी और एक बार फिर से हाथनी कॉल से के रास्ते केदारनाथ की यात्रा करवाऊँ। तो देखिए दोस्तों, अभी जिस लोकेशन पे हम पहुंचे हैं यहाँ का नाम भुजील कहते हैं। यहाँ पे आसपास में आपको बहुत अधिक संख्या में भोजपत्र के पेड़ मिल जाएंगे, और जो ओरिजिनल भोजपत्र है उसके यहाँ पे बहुत सारे से प्लांट हैं, और हम इस खूबसूरत सी वैली से आए थे, और सामने पे ये छिपी का खर्क, छिपी के खर्क से ठीक नीचे उखीमठ और गुप्तकाशी दिखाई दे रहा है, और यहाँ आते आते एक बार फिर से सिग्नल आना फोन में शुरू हो जाता है। जब लाखा मंडल से ऊपर आते हैं तो यहाँ बीच में ये लाखा मंडल से जैसे ही हम ऊपर आते हैं वैसे ही कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, और यहाँ आके जो कनेक्टिविटी है वो एक बार फिर से शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, फाइनली रेखा पीक में हम लोग पहुंच गए हैं, और रेखा पीक आते आते धूप भी लग गई है, और आसपास में बहुत ही खूबसूरत यहां का व्यू हो रखा है देखने को, और यहां पास में देख सकते हैं जो भेड़ बकरियां हैं वो भी आजकल यहीं आ रखी हैं चुगने के लिए, क्योंकि जो ये रेखा पीक है यहां पे घास वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। और बस यहाँ से देखिए, ये हमारी खाम वैली है, और ये यहाँ से केदार वैली है। यहाँ पे आके आपको इतना फर्क लग जाएगा पता कि कितना यह डिस्टेंस है। इस साइड को ये पड़ गया हमारा गौरीकुंड और केदार वैली, और इस साइड को चौमासी खाम वैली। बस ज्यादा कुछ भी डिफरेंट नहीं है इस रास्ते में। अगर भविष्य में यह वैकल्पिक रास्ता बन जाएगा तो इसके बाद यात्रा तो एकदम दुगने हो जाएगी, और तिगने भी हो सकती है। और यहाँ से जो नया रास्ता बनने वाला है वो यहीं से ऊपर ऊपर करके सीधे छानी कैंप तक बनने वाला है। अभी बढ़ते हैं इस रास्ते पे आगे।
अभी बारिश होने लग गई है, काफी जोर से बारिश हो रही है और सब जगह फॉग छा गया है। इस वजह से विजिबिलिटी काफी जीरो हो रखी है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं रामबाड़ा में। चौमासी से सुबह 7 बजे हमने यह जर्नी शुरू करी थी और शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और लगभग लगभग 10 घंटे में हमने यह सफ़र पूरा किया है। अभी यहां से आगे चलते हैं और हालांकि अभी बारिश हो रही है और आगे के भी रास्ते के व्यू आपको दिखा देते हैं, रास्ते में कितना काम हुआ है और कितने लोग अभी रास्ते पर चल रहे हैं, यात्रा अभी कितनी चल रही है। तो आप बने रहे इस वीडियो में, चलते हैं आगे यहाँ से लुनचोली की तरफ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यात्रा में हल्की हल्की सी चहलकदमी यहाँ पे शुरू हो गई है और कुछ इक्के दुक्के लोग यात्रा पे जा रहे हैं और कुछ लोग अपने अपने सामान वगैरह लेके जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यह रामबाड़ा नीचे में देख सकते हैं आप, रामबाड़ा की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पे पुल बनने अब तो बहुत ही मुश्किल हो गए हैं और अब ये वाला रास्ता तो पूरी तरह से बंद हो गया है और अब इसी रास्ते से यात्रा और सब कुछ इसी रास्ते से चलेगा। और इस रास्ते पे भी नीचे में जो पत्थर वगैरह हैं वो तो हटा दिए गए हैं इधर आसपास के। रास्ते में काम भी लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल जो बजरी है वो भी यहाँ पे एक ट्रक के लगभग इकट्ठी करी गई है। और यह जो रेता है यह ऊपर नाले से बह के जो मिट्टी आई हुई है और इसी वजह से तो रास्ते ज़्यादा टूट जाते हैं बार बार जब ऐसी घटिया गुणवत्ता से काम किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये चल रहा है काम इधर रास्ते पे, देख सकते हैं आप। अभी तक इतना ही बन पाया है जो रास्ता है और ऊपर नीचे तो सब जगह भी मलबे के ढेर हैं, मगर बीच में मात्र 6 फीट 5 फीट के लिए जाने के लिए इन जगहों पे बनाया गया है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है अभी भी स्थिति। हाँ, ये देखिए, ये है रास्ते की स्थिति। अभी अभी बिल्कुल 4 फीट का रास्ता यहाँ पे बन पाया है, काफ़ी मुश्किल है अभी यहाँ पे। हालांकि घोड़े खच्चर इसमें आ जा सकते हैं, पैदल यात्री तो वहाँ ही जा सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये सब फिर से नीचे बार बार ये टूट रहा है ऊपर से, ये सारा मलबा ऐसे आ जाते हैं ऊपर से। हाँ, तो चलिए दोस्तों, छोटी लिनचोली में भी जो बेस है यहाँ पे काफ़ी हद तक रास्ता बन गया है और इस प्रकार से अभी हालांकि थोड़ा छोटा ही रास्ता यहाँ पे बनाया गया है और शायद आगे भी ऐसा ही कुछ काम हो चुका है रास्ते पे और जो यात्रा है वो धीरे धीरे करके शुरू हो गई है। और सारी दुकानें अभी बंद पड़ी हुई हैं, बस इक्के दुक्के ही लोग रास्ते में अभी चाय पानी देने के लिए पहुँचे हुए हैं। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ छोटी लिनचोली में और मेरी दुकान तो पास में है, मगर यहाँ पे छोटे भाई की दुकान है और भाई यहाँ पे आपदा भी आई फिर भी यहीं रहा और अभी भी यहीं है, उस आपदा में भी घर नहीं गए थे। और अभी तक जो रास्ते की स्थिति है वो धीरे धीरे करके अग्रसर है, जो काम है वो रास्ते पे अग्रसर है, यात्रा भी मैं भी इक्के दुक्के लोग अभी आ ही रहे हैं और बारिश भी हो ही रही है धीरे धीरे करके। मगर मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी प्लान करिए, मगर धीरे धीरे करके आप लोग प्लान करिए और केदारनाथ यात्रा के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। आप सभी को जय बाबा केदार।